मेरे खेत में पानी आएगा कि नहीं, मेरे फसल को दाम मिलेगा कि नहीं, मुझे मनरेगा का रोजगार मिलेगा या नहीं, मुझे शेड्यूल कास्ट के लिए जो स्कीमें हैं रमाई घरकुल योजना है घर मिलेगा कि नहीं, आदिवासी के लिए बच्चों के स्कॉलरशिप है मेरा बच्चा स्कूल में जाएगा या नहीं, तो ये मुद्दे बड़े पैमाने पे डोमिनेट करते हैं। और जो मिडिल क्लास है, मिडिल क्लास, ये मिडिल क्लास तबका हमेशा कंफर्ट जोन की पोजीशन लेता है। नागपुर की सीट में अंबेडकर लोगों की वोटरों की संख्या 5 लाख से ज्यादा है, फिर भी वो कभी भी इकट्ठे नहीं होते, ये एक उनकी बीमारी रही है, चाहे वो बसपा के लिए हो, चाहे प्रकाश अंबेडकर की पार्टी के लिए हो या मेरी पार्टी के लिए। चलो मेरी पार्टी तो नई नहीं है, लेकिन बसपा तो पुरानी है, प्रकाश अंबेडकर तो पुराने हैं, लेकिन इनके लिए भी कभी भी इकट्ठे नहीं हुए, पिछले बार भी नहीं हुई, 2014 में भी नहीं हुए, 2019 में भी नहीं हुए। जो अंबेडकराइट मास है, जो दलित मास है, जो बाबा साहब को मानने वाला मास है, उसमें ये फीलिंग अच्छी तरह से है कि ये संविधान विरोधी सरकार है, लोकतंत्र विरोधी है। लेकिन इनके मुकाबले में अगर आप ओबीसी तबका को जांच पड़ताल करें, आदिवासी तबके को जांच पड़ताल करें, तो इनमें वो इशू इतने बड़े पैमाने पे नहीं जा रहा। पिछली बार बीजेपी ने जो 4 सीटें जीती उसमें से मुझे तो अंदाजा है कि बीजेपी को 2 गंवानी पड़ सकती है, दो गंवाना पड़ सकता है। नागपुर गडकरी के लिए सीट भी आसान नहीं है और चंद्रपुर की सीट बीजेपी के लिए आसान नहीं है। महाराष्ट्र उत्तर प्रदेश के बाद सबसे ज्यादा लोकसभा की सीटें महाराष्ट्र में 48, लेकिन पिछले 5 सालों में महाराष्ट्र में जितना एक्सपेरिमेंट, पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट हुआ है, उतना देश के किसी सूबे में नहीं हुआ है। बहरहाल कल पहले फेज की वोटिंग है, 5 लोकसभा सीटों पर रामटेक, नागपुर, भंडारा, गोंदिया, गढ़चिरौली, चिमूर और चंद्रपुर, 5 सीटों पर कल मतदान होना है पहले फेज का। क्या है जनता का मिजाज महाराष्ट्र में, वो जानने की कोशिश। दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूँ और आप देख रहे हैं अंबेडकर नामा। इस एपिसोड में हमारे साथ एडवोकेट डॉक्टर सुरेश माने साहब, नेशनल प्रेसिडेंट है BRSP बहुजन रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टी, और कई जगह इनकी पार्टी के कई उम्मीदवार चुनाव के मैदान में। लेकिन अंबेडकर नामा पर जब बात होती है तो नॉट एज ए पॉलिटिकल लीडर बट एज एडवोकेट एंड एनालिस्ट, और क्या रियलिटी है ये समझने की हम कोशिश करते हैं। माने साहब से समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर महाराष्ट्र में चल क्या रहा है, कौन किस ओर और कौन मारेगा बाजी पहले चरण में। स्वागत है सर, जय भीम। जी जय भीम प्रोफेसर जी, बताएं सर। बस अभी कल 19 अप्रैल है और देश में लगभग 102 लोकसभा सीट के लिए 21 राज्यों के पहले फेज में वोटिंग होने वाला है जी। और इसी फेज में महाराष्ट्र की जो विदर्भ इलाका, उस विदर्भ के 2 हिस्से, एक पूरब और एक पश्चिम। तो पूरब जो विदर्भ है उस पूरब की 5 सीटों पर कल वोटिंग होना है, और 5 सांसद कौन होंगे इसका भविष्य तय होने वाला है। अब ये 5 सीटों पर 2019 के लोकसभा के चुनाव नतीजों के मुताबिक 4 सीटों पर बीजेपी जीती है और 1 सीट पर जो कांग्रेस की महाराष्ट्र में 48 सीट पे, एक जो सीट पिछले बार कांग्रेस को मिली थी वो चंद्रपुर लोकसभा की सीट जी। तो ये 5 सीटों के ऊपर मतदान होने वाला है। कुल मिला के क्या 4 बीजेपी अपने सीटें बरकरार रखेगी, क्या कांग्रेस अपनी 1 सीट बरकरार रखेगी,
या और कोई नए दल हमारे देश से जो भी है, क्या वो अपना खाता खोलने में कामयाब होंगे? ये बड़े सवाल इन पांचों सीटों के ऊपर है। अब ये पांच सीटों में से जो प्रमुख है वो है नागपुर की। नागपुर जिले में वैसे दो सीटें हैं, एक नागपुर सिटी की जनरल सीट है जहां से बीजेपी के बड़े नेता नितिन गडकरी, ये सांसद है वर्तमान बीजेपी के, और जो ग्रामीण इलाके की जो रिजर्व सीट है शेड्यूल कास्ट के लिए, उस सीट पर पिछली बार शिवसेना का उम्मीदवार जीता था। वो ये एक संघ शिवसेना थी, अब शिवसेना के दो ग्रुप है और दो ग्रुप में से जो पिछले सांसद थे उनको टिकट नहीं मिला है और वो टिकट एकनाथ शिंदे के शिवसेना को बीजेपी ने वहां से दिया है। वहां कांग्रेस के लिए अच्छा उम्मीदवार नहीं था रामटेक में, वहां से एक उनके उम्मीदवार का वोट भी कट गया था, इलेक्शन फॉर्म कट गया था क्योंकि उनका कास्ट सर्टिफिकेट का मामला आ गया, तो कांग्रेस नॉमिनेटेड कैंडिडेट का पर्चा खारिज हो गया। अब इसके कारण उनके हस्बैंड जो है मिस्टर बर्वे, वो उनका कांग्रेस पार्टी की तरफ से नॉमिनेशन हुआ है। वहां दो सीटें ये रही नागपुर की जी। तीसरी जो सीट है वो चंद्रपुर की। चंद्रपुर की मैंने कहा कि वहां के पिछली बार 2019 में कांग्रेस के एमपी जीत चुके थे, हालांकि उनके फेवर में उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी का कास्ट कॉम्बिनेशन रहा, वो ओबीसी कुणबी समुदाय से आते हैं और उस क्षेत्र में कुणबी बाहुल वोट होने के कारण एक कास्ट कॉम्बिनेशन अच्छा चलता है। फिर उनकी आर्थिक ताकत भी अच्छी थी इसलिए वो जीते थे बीजेपी को हरा कर। अब उनका देहांत हो गया, वैसे वो भी ईडी की नोटिस से जेल चुके थे, उनका देहांत हो गया तो उनकी जगह अभी उनकी पत्नी वहां से चुनाव लड़ रही है। और बीजेपी के महाराष्ट्र के एक नेता है सुधीर मुनगंटीवार, जो अभी वर्तमान महाराष्ट्र की सरकार में मिनिस्टर है, कैबिनेट मिनिस्टर है, वो कांग्रेस के कैंडिडेट के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। ये हो गई तीन सीटें। भंडारा गोंदिया एक कॉमन सीट है, ये दो जिले मिलाकर एक लोकसभा की सीट है। उस सीट के ऊपर 2019 में बीजेपी जीती है, कांग्रेस नहीं जीती है। सुनील मेंडे नाम का एमपी वहां से जीता था, उसको दोबारा बीजेपी ने नॉमिनेट किया है और कांग्रेस की तरफ से मजबूत कैंडिडेट नहीं था तो नाना पटोले जो महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उनकी असेंबली उसमें आती है। उम्मीद लोग ये करते थे कि नाना पटोले वहां से लड़ेंगे, लेकिन नाना पटोले वहां से नहीं लड़े, इसलिए कांग्रेस पार्टी ने वहां दूसरा उम्मीदवार उतारा है जो नाना पटोले के तुलना में कमजोर है। तीसरी बात कि जो मैं चंद्रपुर की जब बात कर रहा था, तो चंद्रपुर सीट के लिए कांग्रेस में दो दावेदार थे, एक जिनका देहांत हो गया उनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की धर्मपत्नी, और दूसरी महाराष्ट्र में विधानसभा के अंदर जो अपोजिशन के लीडर है वो भी ओबीसी समुदाय से आते हैं, मिस्टर वडेट्टीवार, वो उनका नाम चल रहा था, लेकिन वो कांग्रेस में रहकर अपने लड़की के लिए टिकट मांग रहे थे, खुद के लिए नहीं, तो कांग्रेस ने उनको टिकट नहीं दिया, इसलिए वो धर्मपत्नी जिनका देहांत हुआ था मिसेस धानोरकर, उनको वो टिकट बरकरार रहा। पांचवी जो सीट है वो गढ़चिरौली आदिवासी सीट है, ट्राइबल सीट है। ट्राइबल सीट में भी 2019 और 2014 दोनों बार बीजेपी जीत चुकी है, कांग्रेस हार चुकी है। अब वहां कांग्रेस ने नया उम्मीदवार उतारा है और इसलिए कांग्रेस उम्मीद कर रही है। तो ये कुल मिला के पांच सीटें पूर्व विदर्भ की है जिसके ऊपर कल वोट होने का।
करने वाला है। अब ये पांच सीटों पे हमारी, जैसे मेरी पार्टी है बीआरएसपी, तो पांचों सीटों पर हमारे कैंडिडेट है, क्योंकि महाविकास आघाड़ी में हमें कोई गठबंधन के लोगों ने ना बात की ना कुछ की, तो फिर हमारे अपने कैंडिडेट उतारने पड़े। तो ये पांचों सीटों पे बीआरएसपी के कैंडिडेट है, बीएसपी के कैंडिडेट है, और कुछ जगह प्रकाश अंबेडकर की जो पार्टी है उनके भी कैंडिडेट है। तो कुल मिला के ये पांच छह पार्टियों में ही कैंडिडेट पूर्व विदर्भ की सीटों पर है। अब मेन जो मुद्दा है कि पूर्व विदर्भ जो इलाका है वो महाराष्ट्र का पिछड़े इलाके में गिना जाता है। यहाँ से बीजेपी के बड़े नेता है गडकरी जैसे, तो नागपुर सिटी अगर छोड़ दे तो बाकी चंद्रपुर, गोंदिया जिला, गढ़चिरौली जिला, भंडारा जिला, नागपुर ग्रामीण, ये बहुत पिछड़े इलाके हैं। यहाँ धान और सोयाबीन के फसल के अलावा इस इलाके में कोई कमर्शियल क्रॉप नहीं है, और ये दो भी जो फसलें हैं वो बरसात के ऊपर डिपेंड करती है। ये पूर्व विदर्भ का जो इलाका है उसमें बड़े पैमाने पे इरिगेशन लैंड नहीं है, इरिगेशन की सुविधा नहीं है, और इसीलिए ये चावल और सोयाबीन ये दो इम्पोर्टेंट फसल यहाँ पैदा होती है। बाकी रोजगार के नाम पे ना कोई बड़ी इंडस्ट्री है, ना बड़ा कारखाना है, ना कोई जैसे कहते हैं ना इंडस्ट्रियल जोन होता है, वैसा पूर्व विदर्भ में कोई इंडस्ट्रियल जोन नहीं है। अब इसके कारण वोटरों के मन में गुस्सा तो है। अब शायद ये गुस्सा पिछली बार बीजेपी ने जो चार सीटें जीती उसमें से मुझे तो अंदाजा है कि बीजेपी को दो गंवानी पड़ सकती है, दो गंवाना पड़ सकता है। नागपुर गडकरी के लिए सीट भी आसान नहीं है, और चंद्रपुर की सीट बीजेपी के लिए आसान नहीं है। उसी तरह गढ़चिरौली सीट भी जो है वो बीजेपी के लिए आसान नहीं है। ये तीन सीटों पर कांग्रेस या अपोजिशन या महाविकास आघाड़ी अगर ये कल अच्छे तरह से पोलिंग करवा पाए जी, तो उनको एक सकारात्मक नतीजा मिल सकता है, एक पॉजिटिव रिजल्ट आ सकता है, और बीजेपी को एक धक्का पांच सीटें में अगर वो दो भी गवाते हैं तो लगभग 40% सीट गवाना इसका मतलब ये होता है, और फिर उससे महाराष्ट्र का ट्रेंड भी सेट हो सकता है ना जी। तो जी, ये पांच सीटों के ऊपर बीजेपी गवाने के लिए कांग्रेस के पास तो कुछ है ही नहीं, जो कुछ कमाना है वही कमाना है, लेकिन गवाने के लिए कम से कम बीजेपी के पास कम से कम दो सीटें तो जरूर है। अब इसका फायदा कांग्रेस ने कितने प्रचार कैंपेन में उठाया, हालांकि खड़गे जी नागपुर में आके गए, कांग्रेस के नेताओं ने बड़ी मीटिंगें की, लेकिन दूसरी तरफ नड्डा भी यहाँ आके गए, नरेंद्र मोदी भी यहाँ आके गए, हालांकि वो गडकरी के सीट पे तो नहीं आए लेकिन बाजू वाले सीट पे तो जरूर आए। तो कुल मिला के जमीनी हालत ये है कि कांग्रेस पार्टी के पक्ष में लोगों का नूर तो आ सकता है, लेकिन कांग्रेस पार्टी की संगठन की कमजोरी है, और वही बीजेपी की प्लस फैक्टर है। बीजेपी के पास पूर्व विदर्भ में, या देवेंद्र फडणवीस भी इसी इलाके से है, गडकरी इसी इलाके से है, और इसलिए आरएसएस भी पूर्व विदर्भ में ठीक ठाक वाला ऑर्गेनाइजेशन है, तो इनका एक एडवांटेज बीजेपी के लिए हो सकता है। लेकिन कांग्रेस अगर जमीन पे अगर ठीक ठाक काम करती है तो मुझे लगता है कांग्रेस के लिए भी विन विन वाली सिचुएशन, एक एडवांटेज वाली पोजीशन
इस एरिया में नजर आ सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं। सर, जैसा कि आपने कहा कि वो एरिया जो है नागपुर को छोड़ दें, तो चार इलाके जो है वो पिछड़े इलाके में आते हैं महाराष्ट्र के, तो आप तो पूरा घूमे हैं, पांचों लोकसभा क्षेत्र में आप घूमे हैं, क्या वहां पे लोकल इश्यूज इम्पोर्टेंट है या जो नेशनल डिस्कोर्स चल रहा है कि संविधान बदलेंगे, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, इधर कांग्रेस के लीडर्स और विपक्षी दल कह रहे हैं कि वाकई में संविधान बदलेगा, 400 पार का नारा इसलिए है, तो जमीन पे क्या चल रहा है, क्या रिस्पॉन्स है कांग्रेस की तरफ से या एंटी बीजेपी जो भी? नहीं नहीं, इन जनरल पार्टी छोड़ के लोगों के अंदर क्या डिस्कोर्स है? नहीं, लोगों के अंदर जो जमीनी हकीकत है उसमें लोकतंत्र संविधान के बारे में जो अंबेडकराइट मास है, जो दलित मास है, जो बाबा साहब को मानने वाला मास है, उसमें ये फीलिंग अच्छी तरह से है कि ये संविधान विरोधी सरकार है, लोकतंत्र विरोधी है। लेकिन इनकी मुकाबले में अगर आप ओबीसी तबका को जांच पड़ताल करें, आदिवासी तबके को जांच पड़ताल करें, तो इनमें वो इश्यू इतने बड़े पैमाने पे नहीं जा रहा। लेकिन मुस्लिम समुदाय में लोकतंत्र का सब्जेक्ट डीप रूटेड चला जाता है, वहाँ CAA NRC जैसे विषय उनके लिए बहुत नजदीक वाले हैं। आदिवासी में भी लोकतंत्र संविधान इसको लेकर कोई खास जागृति नहीं है, जबकि पूर्व विदर्भ का इलाका चंद्रपुर, गोंदिया, भंडारा और गढ़चिरौली, ये आदिवासी बाहुल इलाके हैं। इस इलाके में ये संविधान या लोकतंत्र के बारे में बीजेपी की जो गलत नीतियां हैं उसका अपील जो रेशियो है वो बहुत कम है। उसका कारण है कि ये एरिया बहुत पिछड़े होने के कारण यहाँ के लोकल इश्यू डोमिनेट करते हैं। उसमें से प्रमुख मुद्दा ये रहता है कि भाई यहाँ धान उत्पादक किसान बड़े पैमाने पे हैं, लेकिन उनके फसल को न्यूनतम मूल्य नहीं मिलता है, ये बड़ा मुद्दा है। पूर्व विदर्भ में पढ़े लिखे लोगों के लिए नौकरी की व्यवस्था या रोजगार की व्यवस्था तो एक भी बड़ी कंपनी फैक्ट्री पूर्व विदर्भ में नहीं है। भंडारा में भेल की फैक्ट्री थी, वो लगभग बंद हो चुके 10 साल हो गए। कोई MP कोई सरकार उनके पहल नहीं हुई, तो उनके कारण ना रोजगार पैदा हुआ, ना वहां पढ़े लिखे लोगों के लिए जो माइग्रेशन होता है वो कोई रुकने का नाम नहीं है। फिर यहाँ का जो लोकल किसान है उसके लिए खेती के लिए पानी और बिजली, इसके बारे में भी रोष है, क्योंकि खेती के लिए जो बिजली सप्लाई होती है उसकी दरें रेट ये भी काफी है, और बिजली यहाँ एग्रीकल्चर के लिए सिर्फ रात को मिलती है, दिन में नहीं मिलती। इसलिए खेती के लिए पानी दिन में नहीं चलता, रात को चलता है, तो वो भी किसानों में एक आक्रोश है। आदिवासी जो सीट है ये गढ़चिरौली जैसे, वहाँ पेशा कायदा एक डोमिनेंट रोल है, वहाँ जो ग्राम सभाएं होती है पेशा कानून के अंदर, पेशा कानून आदिवासी के लिए एक चार्टर ऑफ राइट माना जाता है, तो वहाँ जो ग्राम सभा होती है तो उस इलाके में पेशा कानून का उल्लंघन केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा बड़े पैमाने पे हुआ है। वहाँ जो ग्राम पंचायत होती है जिसको हम ग्राम सभा भी बोलते हैं, ये ग्राम सभा के अधिकारों के ऊपर बिल्कुल आक्रमण है केंद्र और राज्य सरकार का। तो पेशा अधिकार तो देता है, लेकिन सरकारें वो कानून की धज्जियां उड़ाकर उनके ग्राम सभा के अधिकार को निकाल देती है। इसका एक परिणाम गढ़चिरौली जिले में, भंडारा जिले में, कुछ हद तक नागपुर के कुछ भाग में, और कुछ हद तक ये अपना चंद्रपुर के जिले में, ये तीनों के बॉर्डर पे 84 में एक बड़ा डैम बना जिसको गोसे खुर्द डैम कहते हैं। ये नेशनल प्रोजेक्ट है, राजीव गांधी ने इनका उद्घाटन किया था, लेकिन आज भी वो डैम पूरा नहीं हो पाया। 84 का मतलब 35 साल हो गए।
लेकिन उस डैम में जो पानी इकट्ठा होता है, उस पानी इकट्ठा होने के कारण कई एकड़ खेती वो पानी के तले जाती है, कई गांव उठाए गए हैं, उनके जमीन का भू संपादन किया है, तो उनको अभी भी पूरा रिहैबिलिटेशन नहीं हुआ, पूरा मुआवजा नहीं मिला, जिनकी जमीन गई उनको नौकरियां नहीं मिली। इसके कारण भी एक बड़ा भारी रोष ये गोंदिया भंडारा और चंद्रपुर इलाके में जो गोसे खुर्द डैम के कारण इफेक्ट हुआ, उन लोगों में एक आक्रोश है। और इसीलिए ये लोकल मुद्दे भी बड़े पैमाने पे डोमिनेट करते हैं, लेकिन इसके अलावा एक जो हिडन फैक्टर काम करता है वो है कास्ट पॉलिटिक्स। और ये सोशल पूर्व इक्वेशन। हिडन ये कास्ट इक्वेशन बड़े पैमाने पे काम करते हैं। जी हाँ, विदर्भ नागपुर की सीट में अंबेडकराइट लोगों की वोटरों की संख्या 5 लाख से ज्यादा है, जी फिर भी वो कभी भी इकट्ठे नहीं होते। ये एक उनकी बीमारी रही है, चाहे वो बसपा के लिए हो, चाहे प्रकाश अंबेडकर की पार्टी के लिए हो, या मेरी पार्टी के लिए। चलो मेरी पार्टी तो नई नहीं है, लेकिन बसपा तो पुरानी है, प्रकाश अंबेडकर तो पुराने हैं, लेकिन इनके लिए भी कभी भी इकट्ठे नहीं हुए। पिछले बार भी नहीं हुई, 2014 में भी नहीं हुए, 2019 में भी नहीं हुए। नागपुर ग्रामीण बड़े ये रिजर्व सीट है शेड्यूल कास्ट के लिए, लेकिन यहाँ बैकवर्ड तबका ही डोमिनेट करता है, डिसाइड करता है कौन जीतेगा। जी गढ़चिरौली ट्राइबल बाहुल इलाका है, 3 सीटें विधानसभा की भी ट्राइबल के रिजर्व है, तो वहां ट्राइब डिसाइड करता है, लेकिन ट्राइब इतना पॉलिटिकली वोलाटाइल न होने के कारण उनके वोट दूसरे तरीके से कुछ पार्टियां हटाने हथियाना में लगती है, और इसलिए बेचारे ट्राइबल के वोट किसी आइडियोलॉजी के प्रतिबद्धता के अलावा कुछ चंद छोटी मोटी बातों के कारण इधर उधर वोट जाता है। दूसरी बात, जो भंडारा और चंद्रपुर ये 2 सीटें हैं, ये भी बैकवर्ड डोमिनेटेड सीट है, ओबीसी की सीट है। और आपको पता है कि सीएलडीएस का बीच में एक सर्वे आया था, उसमें जी ये आंकड़े दिए थे कि बीजेपी का सबसे बड़ा वोटर कौन है, तो बैकवर्ड ओबीसी बड़ा वोटर है, मेजॉरिटी वोटर सबसे बड़ा तबका ओबीसी है। जी अब ओबीसी में भी इंटरनल कास्ट कॉन्ट्रडिक्शन है, फॉरवर्ड ओबीसी बैकवर्ड ओबीसी उनके कास्ट कॉम्बिनेशन, और ये फैक्टर बड़े पैमाने पे पूर्व विदर्भ में काम करते हैं। और ये काम के वजह से कैंडिडेट का इक्वेशन और उसी कॉन्स्टिट्यूएंसी का कास्ट इक्वेशन अगर ये जम जाएगा तो वो कैंडिडेट जीतेगा, नहीं तो वो हार भी सकता है, चाहे मुद्दा लोकतंत्र का हो, चाहे मुद्दा संविधान का हो, चाहे मुद्दा ओबीसी जनगणना का हो, चाहे मुद्दा पेशा कानून का हो, क्योंकि यहाँ कास्ट कॉम्बिनेशन हावी हो जाते हैं। और बीजेपी ने 2014 और 2019 के चुनाव में इस क्षेत्र में कास्ट कॉम्बिनेशन को ढंग से हैंडल किया, हैंडल किया। अब कांग्रेस उसमें थोड़ी कमजोर रही है, उसका कांग्रेस का और भी फैक्टर है, कांग्रेस में बड़े फ्रैक्शंस भी है, थोड़ी इनडिसिप्लिन भी है, राइवलरी भी है इंटरनल, और इसीलिए कांग्रेस ये कास्ट कॉम्बिनेशन के साथ बड़ी प्रभावी रूप से नहीं उभरती है। हालांकि चंद्रपुर में पिछली बार जो जीती 2019 में 1 सीट कांग्रेस पार्टी ने, तो वो कास्ट कॉम्बिनेशन का इफेक्ट रहा, फिर उम्मीदवार आर्थिक रूप से मजबूत रहा, और बीजेपी का उम्मीदवार उस वक्त थोड़ा कम होने के कारण कांग्रेस को सफलता मिली। तो दोनों दल या दो अलायंसेस कैसे कास्ट कॉम्बिनेशन को हैंडल करते हैं, इसके ऊपर भी एक निर्णय डिपेंड करेगा। सर, बीजेपी राम मंदिर, आर्टिकल 370, सीएए, एनआरसी, यूजीसी, ये तमाम बना रहे हैं। उसके अलावा कह रहे हैं कि सीबीआई और ईडी जो है उससे हम भ्रष्टाचार खत्म करवा रहे हैं। हालांकि वो भ्रष्टाचारी लोग उनके पार्टी में जाते हैं तो धुल जाते हैं। इलेक्ट्रॉल बॉन्ड का मसला है, सुप्रीम कोर्ट में कह रहे थे कि ये जनता को जानने का अधिकार नहीं है
और अब कह रहे हैं प्रधानमंत्री की इलेक्ट्रॉन जी तो हमने लाया और इसकी वजह से लोगों को पता भी लग रहा है कि किसको कितना पैसा मिल रहा है। ये तो बीजेपी का मुद्दा है। दूसरा इधर संविधान और तमाम ये जो आप देख रहे हैं मुद्दा, राहुल गांधी ने, तेजस्वी यादव ने, अखिलेश यादव ने एक मैनिफेस्टो जारी किया है और मैंने देखा है मैनिफेस्टो, जिस तरह से मैनिफेस्टो में एक बहुत दिन बाद एक व्यापक मैनिफेस्टो देखने को मिला, क्या वो मैनिफेस्टो की बातें नीचे तक पहुंच रही, फिल्टर डाउन हो रहे, क्या उसमें कांग्रेस पार्टी के एक्टिविस्ट कार्यकर्ता उसको पहुंचा रहे हैं कि ये सिर्फ सोशल मीडिया पे चल रहा है? आपको मालूम है प्रोफेसर कि मैनिफेस्टो कितने कारगर साबित होते हैं चुनाव जीतने के लिए। जी ये एक एक्शन प्लान है, एक भविष्य का पर्सपेक्टिव होता है और वो लोगों के सामने रखा जाता है। लेकिन जिन जिन बातों का हम लोग जिक्र करें, खास करके इसमें हमें जो वोटर का तबका है उसको दो तीन हिस्से में बांटना चाहिए। एक जो एफ्लुएंट क्लास है, इलाइट क्लास है, उसके लिए लोकतंत्र, संविधान, फिर ये इलेक्ट्रल बॉन्ड, फिर ये कोविड-19, ये बड़े मुद्दे होते हैं। अब उसमें जो अम्बेडकराइट मास है उसके लिए लोकतंत्र, संविधान, ये बड़ा मुद्दा होता है। लेकिन जो जमीन का जो पिछड़ा इलाका होता है, बिल्कुल रोजी रोटी के लिए मोहताज जो लोग होते हैं ना, उनको इन विषयों की कोई रुचि नहीं होती। वो बहस तो करते हैं, चर्चा तो जरूर करेंगे, लेकिन उनका जो वोट दे डालने का जो क्राइटेरिया होता है कि हमारे लिए कौन सा कारीगर साबित होगा, क्योंकि उनकी कोई आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट नहीं होती है, वो कोई मैनिफेस्टो नहीं पढ़ते। उनकी होता है कि मेरे खेत में पानी आएगा कि नहीं, मेरे फसल को दाम मिलेगा कि नहीं, मुझे मनरेगा का रोजगार मिलेगा या नहीं, मुझे शेड्यूल कास्ट के लिए जो स्कीमें हैं, रमाई घरकुल योजना है, घर मिलेगा कि नहीं, आदिवासी के लिए बच्चों के स्कॉलरशिप है, मेरा बच्चा स्कूल में जाएगा या नहीं। तो ये मुद्दे बड़े पैमाने पे डोमिनेट करते हैं। और जो मिडिल क्लास है, ये मिडिल क्लास तबका हमेशा कंफर्ट जोन की पोजीशन लेता है। वो भाई कौन आने वाला है सत्ता में, तो हमारा वोट क्यों जाए जाए, फुकट क्यों जाए, चलो भाई अभी से हम लाइन में लगे रहे, कल इसकी हुकूमत आने वाली है। ये कैलकुलेटेड तबका होता है, ये कैलकुलेटेड तबका है। और ये कैलकुलेटेड तबका अपने हिसाब से वो वोट पैटर्न को सेट करता है। और इसीलिए देखो, सोशल मीडिया में बहुत से मुद्दे हावी होते हैं, लेकिन कैंपेन में जमीन पर जहाँ लोग रहते हैं, जिंदगी जीते हैं, वहाँ ये मुद्दे बड़े पैमाने पे डोमिनेट करते ऐसा कतई नहीं होता, कई चुनावों में नहीं होता। और इसीलिए आज भी ये 5 सीटों पर, जिसका हम लोग महाराष्ट्र में जिक्र कर रहे हैं कि एनआरसी, सीएए, ये बड़े मुद्दे हैं, इनका कोई अस्तित्व, जो रोजी रोटी से रोजमर्रा की जिंदगी का संघर्ष करने वाला वोटर है, जिसकी आबादी लगभग 75% से ज्यादा है, उसके लिए ये मुद्दे बहुत कम मायने रखते हैं। इसीलिए मैंने शुरू, और हम लोगों को, पढ़े लिखे लोगों को, ये भारत की वास्तविकता समझनी भी पड़ेगी कि सोशल मीडिया में हावी होके हम चुनाव नहीं जीत सकते, टेलीविजन के ऊपर डिबेट करके हम चुनाव नहीं जीत सकते, अच्छे अच्छे मैनिफेस्टो निकाल कर हम चुनाव नहीं जीत सकते। इसके लिए जमीनी संगठन, लोगों के साथ जुड़ना और 5 साल लगातार काम करना, ये चुनाव जीतने की बड़ी पूंजी होती है, लेकिन वही पूंजी बहुत से दलों के पास नहीं होती। नहीं, क्या आप वोट, आप पूरे 5 लोकसभा में घूमे हैं, क्या वोट करने को लेकर और ईवीएम को लेकर सुप्रीम कोर्ट में बहस भी हो गई और केरला में जो हुआ आपने देखा ही, क्या लग रहा है लोग वोट देने के लिए उत्साहित हैं? क्या है, वोट परसेंटेज बढ़ेगा घटेगा? ये जो 5 सीटों हैं, तो एक जी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में मैंने अपने पार्टी के लिए तीन तीन सभाएं की है, ठीक। तो लगभग 15 मीटिंगें मैंने 15 जगह पे की है, तो लगभग पूरी पांचों कॉन्स्टिट्यूएंसी पैरों तले मैं घूम चुका हूँ। हर इम्पोर्टेंट सिटी या रिमोट एरिया उसको लगभग मैंने टच किया है। अब
इन इलाके में वोटिंग परसेंट बढ़ेगा, ये एक सवाल है और यही सवाल के ऊपर कुछ सीटों का भविष्य है। मैं आपको बता दूं, अगर नागपुर में 60% से ज्यादा वोट पड़ा तो गडकरी जीतेगी, ओके, तो बीजेपी जीतेगी, और अगर कम पड़ गया तो समझ लेना बीजेपी हारेगी, गडकरी हारेंगे, ये नागपुर का हो गया। उसी तरह मैंने कहा कि चंद्रपुर में और गढ़चिरौली में बीजेपी के उम्मीदवार हार सकते हैं, हारने के हालत में है, लोकल इक्वेशन वैसा बन रहा है, लेकिन फिर वही कि वोटिंग परसेंटेज जमीन के ऊपर कांग्रेस पार्टी या अलायंस पार्टनर के उम्मीदवार के पक्ष में कितना पोलिंग होगा, ये एक बड़ा मुद्दा है। रही ईवीएम मशीन की बात या सुप्रीम कोर्ट में चल रहे बहस की मुद्दा, तो यह चंद पढ़े लिखे लोग अगर छोड़ दे तो आम लोगों में इसकी कोई चर्चा नहीं है, ये टेलीविजन देख के प्रभावित होने वाले लोगों के लिए मुद्दा है। गांव खेड़े में, जिस आदिवासी खेड़े में बरसात के 4 महीने उसका दुनिया के साथ कोई ताल्लुकात नहीं होती, ऐसे लोगों के लिए इलेक्ट्रल बॉन्ड, ईवीएम, लोकतंत्र, संविधान, इसका कोई औचित्य नहीं है। ये हमें कड़े, मतलब ये सच्चाई कड़वी है, लेकिन इस कड़वी सच्चाई करना पड़ेगा। चलिए सर, शुक्रिया आपका, और देखिए शानदार विश्लेषण सुरेश माने साहब का, और कल जब वोटिंग हो जाएगी तो कोशिश करूंगा, अगर फ्री होंगे तो कल फिर हम लोग छोटी सी चर्चा जरूर रखेंगे। शुक्रिया, देखते रहिए अम्बेडकर नामा, और शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। शुक्रिया सर, थैंक यू, जय भीम। शुक्रिया, थैंक यू, जय भीम प्रोफेसर।